तो आपको भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है और बाहर दुकानें बंद है, तो बिल्कुल भी आप निराश न होए। घर पर ही आज हम बनाएंगे कुछ ही सामग्री से आइसक्रीम और आइसक्रीम की कोन, जो कि बाजार की आइसक्रीम से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनती है, और इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो चलिए ये टेस्टी आइसक्रीम और कोन की रेसिपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आइसक्रीम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर चीकू फ्लेवर की आइसक्रीम बना रही हूँ। चीकू को हमें छिल कर ग्राइंडर जार में डालकर इसका फाइन पेस्ट बनाना है, बिना पानी डाले। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसका पेस्ट बनाकर हमें इसे एक साइड रख देना है। अब हमने यहाँ पर ले लिया है, एक बोल में 1 कप के करीब लिया है हमने व्हिप क्रीम, और इसे हम बीट करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि हमें घर पर व्हिप क्रीम कैसे बनानी होती है, तो देखिए आज इस वीडियो में इसे भी देख लिए। तो व्हिप क्रीम को हमें अच्छे से हाई स्पीड में बीट करना है ताकि ये अपने साइज से डबल हो जाए, फूल जाए, और देखिए इस तरीके से ये थिक क्रीम की तरह बन जाएगी। तो देखिए हम इसे अच्छे से थिक होने तक बीट कर रहे हैं, और देखिए अब इसमें स्मूथ पिक्स आ चुके हैं, इसका मतलब हमारी जो क्रीम है वो रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप कंडेंस मिल्क। देखिए कितनी यम्मी आइसक्रीम बन रही है, और इस तरीके से आइसक्रीम बिल्कुल बाजार जैसी बनकर तैयार होती है। सिर्फ 3 सामग्री से ही ये आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। अब डालेंगे इसमें हम ग्राइंड किए हुए चीकू। देखिए चीकू में बिल्कुल भी लम्स, टुकड़े कुछ भी नहीं है, और इसके छिलके हमने बिल्कुल हटा दिए थे, उसके बाद ही ग्राइंड किया था। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से बीट कर लेना है, और देखिए बीट करने के बाद ये हमारा जो आइसक्रीम का बैटर है ना, वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी हल्के स्मूथ पिक्स हैं, बट थोड़े सॉफ्ट हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए किस तरीके से इसमें नोक निकल आ रही है, इसमें पिक्स आ रहे हैं। अब हमें इसे डाल देना है कंटेनर में। तो यहाँ पर आपको लेना है एयर टाइट कंटेनर, जिससे इसके अंदर हवा ना जाए, वरना इसमें फिर आइस क्रिस्टल बनने लगेगी। तो आप देख सकते हैं जो आइसक्रीम का बैटर है वो कितना स्मूथ, कितना लाइट है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सच में चीकू फ्लेवर की आइसक्रीम बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसे हम अच्छे से फैला देंगे ताकि अच्छी तरीके से सभी जगह पर सेट हो जाए, और इसे अच्छे से सेट करने के बाद इसे ढक्कन लगाकर हमें रख देना है फ्रीज़र के अंदर। गर्मी का मौसम है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आइसक्रीम को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसे हमने टैप इसके लिए किया क्योंकि बीच में अगर कहीं पर भी एयर बबल्स हो तो वो हट जाए और आइसक्रीम अच्छे से बॉक्स में सेट हो जाए। तो देखिए हमने ढक्कन को अच्छे से लगा दिया है, और अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे करीबन 12 से 15 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट रखेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और देखिए अब हम इसके लिए बनाते हैं होममेड कोन। तो मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 1/4 कप शक्कर। इसमें डालेंगे हम एग वाइट, मतलब एक अंडे की सफ़ेदी। फिकर ना करें, टेंशन ना ले, इसमें पता भी नहीं चलता है कि आपने अंडे का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये कोन बनकर तैयार होते हैं। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें मेल्टेड बटर, 1 टेबल स्पून डालेंगे मिल्क, और इसके बाद डालेंगे वेनिला एसेंस। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 ड्रॉप आपको वेनिला एसेंस डालना है, और इसे अच्छे से बीट करना है। देखिए यहाँ पर इसे बीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से आप बीट करेंगे तो जो एग वाइट है वो हल्का सा फूलने लगेगी, इससे जो कोन है उसमें बहुत अच्छा लाइटनेस आएगा, मतलब कोन बहुत ही हल्के और करारे बनेंगे। अब इसमें डालेंगे हम मैदा। तो मैंने 1/3 कप मैदा लिया है। ये सारी चीज़ें घर पर इजीली अवेलेबल होती है, और ऐसा ये कोन बनाकर, मींस आइसक्रीम कोन बनाकर आप बच्चों को खुश कर सकते हैं, और यकीन मानिए ये बहुत बहुत ज़्यादा करारे बनते हैं। तो देखिए हमने मैदा डालकर भी इसे अच्छे तरीके से हम बीट कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और जैसे आप इसे मिक्स करेंगे तो देखिए ये जो बैटर है वो लाइट होने लगता है, और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल रनी है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है एक नॉनस्टिक तवा। इसमें हमें तेल घी कुछ नहीं लगाना है, बस हल्का गर्म होने के बाद हमें देखिए इस तरीके से इसे डोसे की तरफ फैलाना है। लेकिन कोशिश यही करिए कि इसे आप अच्छा पतला फैलाएं, मोटा ना रखें। अगर ये मोटा रह जाएगा, फैलेगा, तो फिर आपकी जो कोन है वो थोड़ी देर बाद सॉफ्ट होने लगेंगे और वो करारे नहीं बनेंगी।
आपके इसे अच्छे तरीके से पतला फैलाना है, मीन्स ये जो शीट है उसे ज़्यादा पतली रखनी है, और जैसे इस पर ब्राउन स्पॉट आने लगे तभी आपको इसे पलटना है। उसके पहले पलटना भी नहीं है, क्योंकि जब ये सिकाई इसकी होती है तो तवे पे अच्छे से ये चिपका हुआ होता है, तो ये सारी जगह पर अच्छे से इसकी सिकाई होती है, ये अच्छे से ब्राउन होता है। तो ये देखिए, अगर आप इसके पहले ही पलट देंगे तो इसमें ये डार्क ब्राउन कलर नहीं आएगा। अब हमें इस पर एक कपड़ा रखकर इसे अच्छे तरीके से प्रेस करके दबा दबा कर सेक लेना है, और ये प्रोसेस हमने मीडियम फ्लेम पर ही किया है, गैस को हाई नहीं किया है। और दबा दबा कर मीन्स प्रेस देकर अगर आप सेकेंगे तो ये जो हमारी शीट है वो सारी जगह पर इवन अच्छे से सिकेंगी। मतलब देखिए इस पर कलर कितना अच्छा आया है, और मीडियम फ्लेम पर आप इसे अच्छे से सेकेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनती है। अब हमें इसे फटाफट प्लेट पर रखना है और इसे तुरंत हमें फोल्ड करना है। तो मेरे पास यहाँ पर ये कोन है, मीन्स ये कोन चाट वाली कोन है, अगर आपके पास नहीं है तो मैंने यहाँ पर आपको फॉइल पेपर से कोन कैसे बनाना है वो दिखाया था, उस पर आपको रख कर फटाफट फोल्ड करना है, वरना ये ठंडा होने के बाद क्रिस्पी हो जाता है तुरंत 2 मिनट के अंदर ही। तो आपको तुरंत इसे फोल्ड करना है, और देखिए इसका शेप आ जाएगा और ये बहुत करारे तुरंत हो जाएंगी। इसी तरीके से सारे कोन बनाकर आपको एयर टाइट डब्बे में रख लेना है, और इसे आप 1 महीने तक ले सकते हैं, मीन्स खा सकते हैं, ये बहुत ही करारे रहते हैं। अब हमारी आइसक्रीम भी अच्छे से सेट हो चुकी है, तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि आइसक्रीम कितनी स्मूथ, कितनी क्रीमी बनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक स्कूपर ले लिया है और इसे हम स्कूप कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आइसक्रीम बिल्कुल बाजार जैसी बनकर तैयार हुई है, और बहुत आसान है इस तरीके से ये आइसक्रीम बनाना। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये आइसक्रीम बनती है। देखिए मैं इसे स्कूप करके इसे एक बोल में निकाल कर दिखा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि हमने बाज़ार की आइसक्रीम मंगवाई है। और आप इसे बिना कोन से भी खा सकते हैं, मीन्स बिना आइसक्रीम कोन के भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम कोन में इसका मज़ा बहुत बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे आइसक्रीम कोन में भी ये जो आइसक्रीम है इसे सर्व किया है, ऊपर से थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाली है ताकि बच्चे इसे देख कर ना बहुत खुश होंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ज़रूर बनाइए, बनाने के बाद हमें ज़रूर बताइए कि आप कि ये रेसिपी कैसे बनी।